अरे बाप रे, ये देख रहे हो ग्लू कितना ज्यादा खतरनाक, कितना ज्यादा चिपचिपा है। अब यहाँ पे कार का दम निकलने लगा है गाइस, इससे आगे ये नहीं जा पा रही है, को निकालना भी बहुत मुश्किल है गाइस। देख रहे हो पूरा फेविकॉल इसको सामने की तरफ से जकड़ चुका है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा फेविकॉल और बहुत सारे चूहे पकड़ने वाले ट्रैप्स, यहाँ पे है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की कार्स और टैंक्स। ये टैंक के बारे में तो आपको पता होगा, बहुत ही मस्त तरीके से हर एक जगह पर चल सकती है। आज की वीडियो में देखेंगे गाइस फेविकॉल के अंदर से और ये माउस ट्रैप के अंदर से कौन सी कार निकल के जीतती है। टैंक के साथ साथ मेरे पास बहुत अलग अलग कैटेगरी की कार्स है, जैसे कि ये एक एम्फीबियस कार है, इसके अंदर लगे हैं इस तरफ चार व्हील्स और इस तरफ चार व्हील्स, कंप्लीटली इसके अंदर आठ व्हील्स दिए गए। अब ये है स्पिरिट आरसी कार, इसके अंदर एक बहुत बड़ी मोटर दी गई है और इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। आज की वीडियो में बहुत मजा आएगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। ये एक एटीवी बाइक है, बहुत बड़े बड़े व्हील्स इसके अंदर दिए गए और व्हील्स की क्वालिटी बहुत मस्त है। अब ये जो कार है ना गाइस, इसके व्हील्स देख लो, बहुत ज्यादा अलग है। इसके अंदर लगे हैं छोटे छोटे से मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स, इनको मिला के बन जाता है एक बहुत बड़ा व्हील। देखते हैं क्या ये व्हील्स को लेकर ये कार माउस ट्रैप में से और फेविकॉल में से निकल के जीत पाएगी या फिर नहीं। इन सभी कार्स को फेविकॉल में चलाने से पहले इनका टॉर्क टेस्ट मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे पता चलेगा क्या ये फेविकॉल में चलने के लायक भी है या फिर नहीं। ये टेस्ट में देखो, सामने एटीवी खड़ी है, इसके पीछे मैं बहुत सारा वेट डालूंगा, देखते हैं ये कितनी जल्दी इतना ढेर सारा वेट खींच पाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो फेविकॉल के बड़े बड़े डब्बे रख दिए, ऊपर देखो इसके दो बड़े बड़े आरसी कार्स के डब्बे भी रख दिए, देखते हैं क्या एटीवी इतना ज्यादा वजन खींच पाएगी या फिर नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये तो सामने से उठने लगी थी और इसके व्हील्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप मिल पा रही थी, जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर देना चालू किया है इसने तो भाई काफी आराम से इतना ज्यादा वेट खींच लिया था। एक काम करते हैं और ज्यादा वेट रख के देखते हैं। इसके ऊपर मैंने FJ40 को रख दिया, ये कार का वेट तकरीबन 10 से 15 किलो होता है गाइस, देखते हैं ये इतना वजन खींच पाएगी या फिर नहीं। शुरुआत में तो इसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर थोड़ा सा खींचने के बाद देखो ATV का काम तमाम हो चुका है, ये ज्यादा वेट नहीं खींच पा रही है। फिर भी गाइस मैं इसको आज एक बार फेविकॉल के अंदर आपको चला के बताने वाला हूं। अब ये यूनिक सी दिखाई देने वाली 8 व्हील RC कार को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार पानी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से चल सकती है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी सी कार इतना ज्यादा वजन खींच पाएगी, पर भाई इसने कर लिया है। ठीक है, टैंक के साथ भी सेम टेस्ट मैं करके देखने वाला हूँ। टैंक के जो ट्रैक्स है शुरुआत में थोड़ा सा स्लिप हो रहे थे, उसके बाद देखो इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप मिलने लगी है। यहाँ पर अभी तक तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रिगर दिया है, फिर भी देखो टैंक काफी आराम से इतना ज्यादा वेट लेके चल रही है। तो अब ये फेविकॉल डालते हैं ये ट्रे के अंदर, देखो काफी बड़ा मेरे पास ट्रे है, तकरीबन ये 7 फुट का ट्रे है। अब इसके अंदर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फेविकॉल को भर दूंगा, देखते हैं इस कौन सी कार ये फेविकॉल में से निकल के जीत पाती है। यहाँ पे मेरे पास ये 2 किलो का डिब्बा है, ये डाल देते हैं अब यहाँ पे। ओ भाई, कितना ज्यादा गाढ़ा है ये फेविकॉल, यानी कि ये बहुत ज्यादा चिपचिपा होने वाला है, अपनी कार आज खराब भी हो सकती है। मेरे को लगा था कि 2 डिब्बों में ये ट्रे फुल हो जाएगा, उसके बाद मैंने 4 डिब्बे और डाले हैं, यानी कि तकरीबन इसमें 6 डिब्बे डालने के बाद ये ट्रे फुल हो पाया है। दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा ये लग रहा है। तो अब ये ATV बाइक को चलाते हैं, देखते हैं ये कितने अच्छे तरीके से चलती है। तो एकदम फुल ट्रिगर देके इसको यहाँ से मैं निकालने की कोशिश करूंगा, मेरे को लगा था कि ये काफी आराम से निकल जाएगी थोड़ी दूर जाने के बाद। इसके टायरों के ऊपर फेविकॉल चिपकना चालू कर चुका। ओए गाइस, देख रहे हो इसको पूरी ताकत लगानी पड़ रही है चलने के लिए, पर ऑलमोस्ट देखो आधे रास्ते तक आने के बाद अब यहाँ पर आकर ये फंस चुकी है, इसको फेविकॉल ने पूरी तरीके से पकड़ रखा है अब। ओ भाई, ये देखो मैं आपको चला के बताता हूँ। ओ भाई, अरे रे, इसके मोटर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड गिर रहा है गाइस, इसी तरीके से मैं और चलाऊंगा ना तो इसकी मोटर जल भी सकती है। अब ये 8-व्हील ड्राइव RC कार को चलाते हैं, इसने काफी ज्यादा वजन आराम से खींच लिया था, जैसे ही मैंने इसको फेविकॉल में उतारा है क्लियरली आप देख सकते हो इसकी जो पावर है ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। इसके व्हील थोड़े से छोटे होने के कारण व्हील को प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी और ये ना तो पीछे जा रही थी ना तो आगे आ रही थी। यहाँ पे मैंने फुल ट्रिगर भी पकड़ के देख लिया है, थोड़ी देर के बाद यार इसकी मोटर भी कम्प्लीटली जैम हो चुकी थी, इसके अंदर हर जगह पर फेविकॉल घुस चुका था। यहाँ पे देखो मैं इसको वॉश करने की भी कोशिश कर रहा था
पर ये फेविकॉल इतना ज्यादा जिद्दी था कि यार बिल्कुल भी निकल नहीं रहा था। ठीक है दोस्तों, अब ये रैपिडली आरसी कार को मैं चला के देखने वाला। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये कार भी फिसलने लगी है, पर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दिया है ये कार काफी आराम से फेविकॉल में से निकल चुकी थी। मैंने तो यार इसको दो दो बार फेविकॉल के ऊपर से चला के देखा है, दोनों बार ये बहुत आराम से निकल गई थी। ओके दोस्तों, अब मैं डब्ल्यू एल्टोज 12427 को चला के देखने वाला हूँ। डब्ल्यू एल्टोज 12427 थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से रुक गई थी। मेरे को लगा था कि इसका काम तमाम हो चुका है, फिर जैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा थर्टल देना चालू किया है ये कार भी बहुत आसानी से इतने गहरे फेविकॉल में से भी निकल चुकी है। इसको भी मैंने दो से तीन बार चला के देखा है, हर बार ये फेविकॉल में से काफी आसानी से निकल गई थी। गाइस, इनके टायरों के ऊपर जो फेविकॉल था वो निकालने की यार मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, पर ये फेविकॉल बिल्कुल भी इनके टायरों के ऊपर से नहीं निकल रहा था। इस रैपिडली कार तो थोड़ी देर के लिए काम करना भी बंद कर चुकी थी। उसके बाद यार इसकी बैटरी मैंने निकाल के दूसरी बैटरी डाली है, फिर ये चल रही थी। जैसे जैसे करके मैंने थोड़ा बहुत फेविकॉल जो है इनके टायरों के ऊपर से निकाल दिया था। ओके दोस्तों, अब टैंक की बारी है, देखते हैं टैंक ये फेविकॉल के ऊपर कितने अच्छे तरीके से चल पाएगा। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देखकर मैं कंप्लीटली शॉक हो चुका हूँ, बिल्कुल भी जरा भी दिक्कत नहीं हुई टैंक को फेविकॉल के ऊपर चलने के लिए। देखो गाइस, इसका ट्रैक काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से इसके ऊपर फेविकॉल लग भी जा रहा है, तो वो फेविकॉल काफी आसानी से निकल भी रहा था। ये फेविकॉल के ऊपर मैंने टर्न भी कराया है और बार बार फेविकॉल के ऊपर चला के भी देखा है, हर बार ये टैंक बहुत आसानी से इसके ऊपर चल रहा था। मजा आ गया गाइस मेरे को तो। दोस्तों, अब बहुत ही खतरनाक सा टेस्ट मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे माउस ट्रैप्स मैंने लगा दिए हैं और वहां पे भी एक माउस ट्रैप लगा दिया है और इसके ऊपर इस तरीके की क्लाइंबिंग भी मैंने लगा दी है। अब देखते हैं कि कौन सी कार माउस ट्रैप को पार करके ये फेविकॉल में से निकल पाएगी। सबसे पहले इसको चलाते हैं। अब इसको मैं फुल स्पीड में चलाने ही वाला था, मेरे को लगा था कि जैसे कि मैंने इसको फेविकॉल में से निकाला था वैसे ही यहाँ से भी निकाल लूंगा, पर ये जो ग्लू है काफी ज्यादा चिपचिपा है, कार को इसने पूरी तरीके से जकड़ लिया है। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मेरे को नहीं लगता इससे आगे अब ये जा पाएगी। ओके, यहां तक तो निकल चुकी है, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं अब। ओके, ओ भाई क्या ही खतरनाक सा ग्लू है यार, अब ये आकर फेविकॉल में फंस चुकी है, देखते हैं इससे आगे जा पाएगी या फिर नहीं। पूरी कोशिश कर रही है कार, ओ माय गॉड, देखो गाइस यहां से फेविकॉल भी अभी निकलने लगा है। अरे बाप रे, ओ भाई साहब काफी खतरनाक सा सीन हो रखा है यहां पे। ओके गाइस, इसका काम अब यहाँ पे तमाम हो चुका है। ओ माय गॉड, अब इसको यहाँ से निकाल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अरे बाप रे बाप, गाइस देखो कितना ज्यादा ये खतरनाक लग रहा है फेविकॉल। अब देखो गाइस, ये कार को मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं ये कितनी दूर तक जाती है। इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे, एकदम फास्ट चलाने के लिए कोशिश करेंगे इसको। ओए देखो गाइस, काफी आराम से ये दो ट्रैप्स के ऊपर से निकल चुकी है, अब यहाँ पर आ चुकी है। अरे बाप रे, ये देख रहे हो ग्लू कितना ज्यादा खतरनाक, कितना ज्यादा चिपचिपा है। ठीक ठाक तरीके से यहाँ तक तो ये पहुंच चुकी है, अब इसके बाद देखो गाइस ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब यहाँ पे कार का दम निकलने लगा है गाइस, इससे आगे ये नहीं जा पा रही है, को निकालना भी बहुत मुश्किल है गाइस। देख रहे हो पूरा फेविकॉल इसको सामने की तरफ से जकड़ चुका है। अरे बाप रे, टैग को चला के देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक चलती है माउस ट्रैप के ऊपर। ओके, अब इसको चलाने वाला हूं मैं। ओ माय गॉड, ये देखो गाइस ग्लू ने इसको जकड़ना चालू कर दिया है, फिर भी हमारी टैंक बहुत ज्यादा दमदार है, काफी आराम से चार पांच ट्रैप पे से निकल चुकी है, अब फेविकॉल के अंदर घुस चुकी है, देखते हैं यहाँ से निकल पाती है या नहीं। अरे बाप रे बाप, फेविकॉल अब इसको जकड़ने लगा है धीरे धीरे करके। आगे देखो गाइस, एक और माउस ट्रैप है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक तो चली गई है ये, देखते हैं ऊपर चढ़ पाती है या नहीं। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर आकर ये बंद पड़ चुकी है, ये देखो ना तो पीछे जा रही है ना तो आगे जा रही है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब देखो अब धीरे धीरे से चलने लगी है। अरे बाप रे, अब चलाने वाला हूं मैं डब्ल्यू एल्टोज 12427, देखते हैं गाइस ये कहां तक पहुंचती है, ये टैंक को हरा पाती है या नहीं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार है, इसके अंदर 540 की मोटर भी लगी हुई है। ओके, इसके अंदर इनिशियल टॉर्क तो काफी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर ब्रशड मोटर दी गई है। देखो कार पूरी कोशिश कर रही है और यह बिल्कुल भी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है, आराम से माउस ट्रैप के ऊपर से निकल चुकी है। माउस ट्रैप इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ग्लू आप देख सकते हो, अब ये ऑलमोस्ट माउस ट्रैप के ऊपर से निकल चुकी है, अब आ चुकी है फेविकॉल के अंदर। फेविकॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, देखते हैं इससे आगे ये बढ़ पाएगी या फिर नहीं।
ओ माय गॉड, फेविकॉल पूरी कोशिश कर रहा है इसको जकड़ने के लिए। अब देखो ये वाले माउस ट्रैप के ऊपर ही आ चुकी है, अब यहाँ से ये निकल चुकी है गाइस। ओ माय गॉड, मैंने सोचा था कि ये बीच में ही फंस जाएगी, पर ये कार तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर है WL टॉयज की मोटर। इसके ऊपर फेविकॉल और माउस का जो ट्रैप का ग्लू है वो पूरी तरीके से चिपक चुका है। एक बार देखते हैं गाइस क्या ये ग्लू इसके ऊपर से निकल पाएगा या फिर नहीं। मेरे पास W40 का केमिकल है, वो मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ। केमिकल भी इसके ऊपर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है गाइस, देख सकते हो ये जो ग्लू है निकल नहीं पा रहा है इसके ऊपर से। इसका तो काम पूरी तरीके से तमाम हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी चलने लायक बची नहीं है। आज की वीडियो में आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पावरफुल लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी कार के साथ फेविकॉल टेस्ट करूं ये भी जरूर से बता देना। चलो अभी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है सर्वर, शिवम, यश, राजा राय, नसीर, कार्यन, वेदांत, तेजस, अध्ययन, फारस। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।